हर हर महादेव मित्रों, भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। देखिए मित्रों, हमारे हाथ में कई प्रकार के ऐसे ट्रायंगल बनते हैं जिन्हें हम मनी ट्रायंगल यानी धन की रेखाएं बोलते हैं। तो वो धन की रेखाएं कहाँ होती हैं, चलिए सभी देवी और सज्जन जानेंगे। सबसे पहले देखिए, एक हमारी एक हथेली होती है, इसमें कई प्रकार की रेखाएं उदय होती हैं, इसकी नई नई शाखाएं निकलती हैं। जैसे कि ये होता है मणिबंध, यानी कि ये पेड़ की जड़ है और ये है पेड़। यहाँ से पूरी रेखाएं सब उदय होती हैं, कोई इधर जाती है कोई उधर जाती है। और मित्रों, जो हमारी मनी की रेखा है, जो हमारी धन की रेखाएं हैं, वो कहाँ होती हैं उसे समझेंगे। देखिए मित्रों, हमारे हाथ में ये होती है हमारी मुख्य तीन रेखाएं। इसी के साथ में यहाँ से एक रेखा भाग्य रेखा ऊपर के लिए निकलती है। ये एक ट्रायंगल बन गया है। देखो ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल त्रिकोण, ये भी एक धन का ट्रायंगल है। उसके तुरंत बाद यहाँ से एक ब्रांच निकल के यहाँ आती है बुद्ध पर्वत तक। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दो खाने बने हैं, एक ये और एक ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरीके से बैंक बैलेंस होता है। जैसे अलग अलग बैंक होती हैं, हम धन सेफ करते हैं, उसी तरीके से ये धन सेफ हो रहा है। अब बोलेंगे आप कैसे, देखिए मित्रों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक ये ट्रायंगल हुआ और एक ये ट्रायंगल हुआ। ऐसे बंदे क्या करते हैं, अपने बिजनेस का पैसा, अपनी नौकरी का पैसा सब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी यापन करते हैं। हाथ दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना हाथ दिखाना चाहिए, उसमें से आपसे होगा निवारण करना चाहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। मेरा नाम पंडित वशिष्ठ शास्त्री, मैं हरिद्वार से हूँ और मैं हाथ देखना सीख रहा हूँ और देखता हूँ। मैं हाथ की रिसर्च कर रहा हूँ। इसमें आप मेरा योगदान देना चाहते हैं तो इसमें वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।